हेलो एवरीवन स्वागत आप सभी का टोपर्स प्रेम चैनल में इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास ट्वेल्थ की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर सिक्सटीन जल संसाधन ठीक है तो शुरू करते हैं देखिए भारत के जल संसाधन क्या है ध्रातलीय जल संसाधन की बात करें तो नदियाँ तालाब झील लैगून और पश्चिम जल बोम जल संसाधन में कुएं और नलकूप ठीक है जल संरक्षण एवं प्रबंधन में देखिए जल प्रदूषण से बचाव वर्षा का जल संग्रहण जल संभर जल पुनर्चक्रण और वैधानिक व्यवस्थाएं वर्षा जल संग्रहण देखिए सर्विस पुनर कूप पुनर्भरण कूप झीलों द्वारा और जल संभर प्रदर्शन पृथ्वी पर जल वितरण देखिए सत्तानवे प्रतिशत जो है लवणीय जल है और जिसमें तीन पॉइंट एक प्रतिशत ऐसा जल है जो अलवणीय है भारत में विश्व की जनसंख्या तो भारत में जो है विश्व की जनसंख्या की सत्रह प्रतिशत जो है निवास करती है ठीक है भारत में जल की मात्रा का प्रतिशत देखा जाए तो वो कितना है चार प्रतिशत है पूछा जा सकता है तो याद रखिए कुछ और देखते हैं इंपॉर्टेंट चीजें तो देखिए पृथ्वी का लगभग इकहत्तर प्रतिशत दरातल पानी से आच्छादित है परंतु अलवणीय जल की मात्रा कुल जल का केवल कितना है तीन प्रतिशत ही है ठीक है भारत में विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग दो पॉइंट पैंतालीस प्रतिशत है। क्षेत्रफल का दो पॉइंट पैंतालीस प्रतिशत और जनसंख्या का लगभग सोलह प्रतिशत या सत्रह प्रतिशत तथा जल संसाधनों का चार प्रतिशत में एक वर्ष में वर्षन से प्राप्त कुल जल की मात्रा लगभग चार हजार घन किलोमीटर है रातलिय जल और पुनः पूर्ति योग्य भूम जल से अठारह घन किलोमीटर जल जो है उपलब्ध है जल संबर प्रबंधन का संबंध रातलीय और भौम जल संसाधनों के दक्ष प्रबंधन से है तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां जल संग्रहण संरचना आवश्यक है इसमें से केवल साठ प्रतिशत अर्थात ग्यारह सौ बाईस घन किलोमीटर जल का ही जो है लाभदायक उपयोग किया जाता है जल के जो है चार मुख्य स्रोत है नदी झीले तलैया और तालाब भारत में कुल नदियों है उसकी सहायक नदियां जिनकी लंबाई 1.6 किलोमीटर से अधिक है इनकी संख्या 10,360 है जनसंख्या वृद्धि जल का अति उपयोग व पर्यावरण प्रदूषण के कारण जल दुर्बलता जो है बढ़ती जा रही है भारत में पंजाब हरियाणा राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों में भूम जल का उपयोग जो है अधिक होता है जबकि छत्तीसगढ़ उड़ीसा केरल राज्य भूम जल क्षमता का बहुत कम उपयोग करते हैं भारत में सतय जल व भूमिगत जल का सबसे ज्यादा उपयोग होता है कृषि क्षेत्र में जल में बायोपदार्थ जैसे सूक्ष्म जीव रासायनिक पदार्थ औद्योगिक और अन्य अपशिष्ट आदि पदार्थों से प्रयुक्त प्रदूषित होता है देश में जो है गंगा और यमुना दो अत्यधिक प्रदूषित नदियां हैं केंद्र एवं राज्य सरकारों ने देश में बहुत से जल संभर विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम जो है चलाए हैं ठीक है थीके? तो देखिए भारत किन दो नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र बहुत बड़े हैं तो भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र बहुत बड़े हैं भारत के उन प्रमुख राज्यों के नाम बताइए जो अपने बॉम जल का उपयोग क्षमता से कम करते हैं तो छत्तीसगढ़ उड़ीसा केरल ऐसे राज्य हैं जो अपनी बॉम जल क्षमता से कम जल का उपयोग करते हैं किन राज्यों में लैगून व झीलों का उपयोग धरातलीय जल संसाधनों के रूप में होता है तो केरल उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्यों में जल गुणवत्ता का अभिप्राय स्पष्ट करो तो जल गुणवत्ता से तात्पर्य जल की शुद्धता या अनावश्यक बारी पदार्थों से रहित जल से है भारत की समुद्र तट रेखा विशाल व है इसी कारण बहुत सी लैगून व झीले बन गई हैं दो राज्यों के नाम बताइए जहां लैगून व झीले प्रमुखता हैं तो केरल में है उड़ीसा में है और पश्चिम बंगाल में है लैगून व झीलों में खारा जल है इसका उपयोग किन क्षेत्रों में किया जाता है तो इस जल का उपयोग करते हैं मछली पालन चावल की कुछ किस्मों नारियल आदि की सिंचाई में ठीक है राष्ट्रीय जल संसाधन की गुणवत्ता की मॉनिटरिंग कौन सी दो कंपनियां करती हैं तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भारत में जल प्रदूषण के किन दो स्रोतों का उल्लेख कीजिए तो वाहित मल निपटान और नगरीय वाही जल उद्योगों से विषाक्त जल का स्त्राव नाविक और जल और कृषि भूमि के ऊपर से बहता हुआ जल भारत में जल की गुणवत्ता के निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है तो बढ़ती जनसंख्या और औद्योगिकरण विकास की तीव्र गति ठीक है कि भारत में जो जल की गुणवत्ता है वो आ, कम होती जा रही है राजस्थान के अलवर जिले में चलाया जाने वाला जल संग्रहण कार्यक्रम का नाम क्या है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो अरवारी पानी संसद यमुना नदी किन दो शहरों के बीच सबसे अधिक प्रदूषित है तो दिल्ली और इटावा में हरियाली से क्या अभिप्राय हरियाली केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित जल संबर विकास परियोजना है राष्ट्रीय जल नीति 2002 में जल आवंटन की प्राथमिकता क्या थी तो पेयजल जो थी प्रमुख प्राथमिकता थी उसके बाद सिंचाई जल शक्ति नौकायन औद्योगिक और अन्य उपयोग है चलिए आगे देखते हैं आ, कुछ और क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट लगेंगे देखिए दक्षिण भारत की जो प्रमुख नदियां हैं उसमें जलवर प्रवाह का जो अधिकतर भाग है वो काम में लाया जाता है लेकिन ब्रह्मपुत्र और गंगा नदियों के बेसिनों में ऐसा क्यों संभव नहीं है देखिए गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के बेसिनों में दक्षिण भारत की नदियों की अपेक्षा क्या होती है अधिक वर्षा होती है तो इनका प्रवाह कैसा होता है तीव्र और वर्ष पर्यंत रहता है ठीक है मतलब वर्ष भर जो ये चलती रहती है ओके okay. गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसे उत्तर भारतीय नदियों का धरातल मुलायम समतल और नदी अवरोधों से मुक्त है इसलिए इन नदियों के जल का अधिकांश भाग जो है समुद्रों में चला जाता है इसका प्रयोग नहीं होता है ठीक दक्षिण भारत की नदियों में जल का अधिकांश भाग जो है तलाब और जलाशयों में एकत्रित होता है इन नदियों पर जल प्रपात व अन्य अवरोध पाए जाते हैं इसके कारण जो है, जल का अधिकांश भाग प्रयोग में लाया जाता है ठीक है तो आगे देखिए यहां पे कुआ और नलकूपो द्वारा कुल शुद्ध सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत दिया गया गुजरात में छियासी है राजस्थान में सत्तर है मध्य प्रदेश में 66 है महाराष्ट्र में पैंसठ उत्तर प्रदेश में अट्ठावन पश्चिम बंगाल में सत्तावन तमिलनाडु में चौवन तो एक क्वेश्चन था यहां पे देखिए किस राज्य में कुओं तथा तो नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक है तो वो है गुजरात राज्य में क्योंकि इसमें क्या है नहरों का अभाव है तो इसीलिए जो है कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है किस राज्य में कुओं द्वारा नलकूपो द्वारा सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत निम्न है तो वो है तमिलनाडु क्योंकि इस राज्य में तालाबों से क्या आ, क्या निकाली गई है नहरें निकालकर क्या की जाती है सिंचाई की जाती है या कुएं खोदना मुश्किल कार्य है क्योंकि यह क्या एक पठारी प्रदेश है ठीक है देखिए आगे पश्चिम प्रवाही प्रमुख दो नदियां कौन सी हैं ये इंपॉर्टेंट है नर्मदा और तापी नदियां जम्मू कश्मीर राज्य किस नदी बेसिन पर स्थित है तो सिंधु नदी बेसिन पर स्थित है गंगा नदी बेसिन में आने वाले प्रमुख दो राज्य कौन से हैं तो उत्तर प्रदेश और बिहार है ठीक है चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन ही देखते हैं देखिए वर्षा जल संग्रहण की विधि बतानी है इसमें वर्षा जल को छतों से इकट्ठा करके नीचे खोज में इकट्ठा करना भूमिगत जल को प्रयोग में लाना दूर स्थित नदियों के पानी को लाना और फालतू जल के बहाव को कुएं तक ले जाने की विधि तो इनमें से सही बता था कि वर्षा जल संग्रहण की विधि कौन सी तो ये ए तो बिल्कुल है वर्षा जल की जल को छतों से इकट्ठा करके नीचे होज में इकट्ठा करना बिल्कुल सही है फालतू जल के बहाव को कुएं तक ले जाने की विधि ये भी क्या है आ, वर्षा जल संग्रहण की विधि है तो ऐ तथा द जो है यहाँ पे सही हो जाएंगे ठीक है वर्षा का जल बहकर नदियों झीलों और तालाबों में चला जाता है उसे क्या कहते हैं तो इसे कहा जाता है पृष्ठीय जलन वर्षन से प्राप्त जल कैसा होता है तो वर्षण से जो जल प्राप्त होता है वो होता है अलवणीय ठीक है आगे देखिए जल संसाधनों का तेजी से निम्निकरण हो रहा है सही बताने और कौन सा सही व्याख्या करता है तो दे बिल्कुल ठीक है जल संसाधनों का तेजी से निम्नीकरण हो रहा है जल प्रदूषण देश के विभिन्न भागों में विषैली धातुओं फ्लोराइड और नाइट्रेट के संकेंद्रण के कारण होता है तो ए और बी दोनों ही ठीक है और बी जो है वो ए की सही व्याख्या करता है ठीक है तो ये था चैप्टर नंबर फिफ सिक्सटीन ओके थैंक यू सो मच